अस्सलाम वालेकुम पार्क व्हीलर्स, मेरा नाम है जुहेब एंड वेलकम टू पार्क व्हील्स। आज जिस बाइक का एक्सपर्ट रिव्यू हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है बनेली का 302S। जैसा कि आपको पता है कि पार्क व्हील ने अपना जो बाइक से रिलेटेड रिव्यू की जो वीडियोस हैं उनके लिए एक सेपरेट चैनल यूट्यूब पर बना लिया है और उसका नाम है पार्क व्हील्स बाइक्स। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब आपको जितनी भी बाइक से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी वो इसी चैनल पर मिलेंगी। तो अपनी गिरदनवा और अपने जानने वालों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन पर टैप करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि बेसिकली ये फेस अपलिफ्ट मॉडल है बनेली TND 300 का। बनेली TND 300 पाकिस्तान में कभी भी ऑफिशियली लॉन्च नहीं की गई। 2019 में जब ये फेस अपलिफ्ट हुआ बनेली 300 का, तो इसको रीनेम किया गया और इसको पूरा रीडिज़ाइन किया गया था बनेली की तरफ से और इसका जो नाम है 302S कर दिया गया था। उसके अलावा सिर्फ नाम और थीम ही चेंज नहीं हुई थी, इसके अंदर काफ़ी चेंजेस हुई थी जो हम आगे रिव्यू में आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इस बाइक का जो इंजन है पहले उसकी बात कर लेते हैं। 300cc इस बाइक का इंजन है, डुअल सिलेंडर है, यानी कि इसके एग्जॉस्ट पाइप दो हैं, दो पिस्टन हैं। डुअल सिलेंडर का फ़ायदा ये होता है कि डुअल सिलेंडर जो इंजन बेस्ड बाइक्स होती हैं वो एक तो स्मूथ थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं सिंगल सिलेंडर की नस्बत, दूसरा उनकी हीट जनरेशन जो है वो बहुत कम होती है। उसके साथ साथ पर सिलेंडर 4 वोल्व्स इस बाइक के हैं। 4 वोल्व्स मीन्स 2 वोल्व्स इनटेक के, 2 आउटटेक के, तो टोटल 2 सिलेंडर बेस्ड इसका इंजन है, तो 8 वोल्व इसके आपको मिल जाते हैं इसके इंजन में। उसके साथ साथ ये DOSC है, यानी कि डुअल ओवरहेड कैम। डुअल ओवरहेड कैम का मतलब ये है कि एक तो इस बाइक के अंदर जो कैम रॉड है वो ऊपर है, वोल्व से ऊपर है, और डुअल का मतलब है कि कैम रॉड दो हैं, यानी इनटेक का कैम रॉड अलग है और आउटटेक का एग्जॉस्ट गैसेस का कैम रॉड अलग है, तो इसको DOSC बेसिकली बोला जाता है, इसका मतलब ये बनता है। और DOSC वाली बाइक और 4 वोल्ट्स पर सिलेंडर के साथ जो इंजन है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ और एफिशिएंट हो जाता है और फ्यूल इकोनॉमी भी आपकी अच्छी मिलती है आपको इस इंजन में। अगर हम इसके गेयरबॉक्स की बात करें तो 6 स्पीड इसका गेयरबॉक्स है, पहला गेयर नीचे और 5 गेयर ऊपर, जिसको रिटर्न शिफ्ट बोला जाता है, उसी स्टाइल में लगते हैं। जो मैंने ओवरऑल एक्सपीरियंस किया है इस बाइक के गेयर बॉक्स में बहुत स्मूथ है। बिटवीन फर्स्ट टू 6 गेयर जो शिफ्ट है उसमें आपको लैग नहीं आता, वो स्मूथ रहती है। और गेयर रेशियो इसकी बहुत अच्छी है, यानी पहले से दूसरे गेयर, दूसरे से तीसरे गेयर की जो रेशियो है वो भी बहुत अच्छी है, हर गेयर में इसकी पिक बहुत अच्छी है। सिर्फ थोड़ा सा इशू मुझे जो फील हुआ था थोड़ा सा, वो इसका न्यूट्रल और फर्स्ट के दरमियान में है, यानी जब हमने फर्स्ट से न्यूट्रल या सेकंड से न्यूट्रल करनी हो तो आपको थोड़ा सा उसके लिए एफर्ट करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि जोर लगता है, लेकिन बाज़ूकात वो न्यूट्रल कर नहीं पाता अपने आप को। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी ये बाइक जो है इसका इंजन बिल्कुल ब्रांड न्यू है, तो जैसे जैसे ये अपनी रनिंग पूरी करता जाएगा और इसके अंदर अगर हम अच्छा इंजन ऑयल डलवाएं तो इस लैग को भी कम किया जा सकता है। इस बाइक का जो फ्यूल टैंक है ये 17 लीटर्स फ्यूल की कैपेसिटी रखता है, यानी 17 लीटर इसके अंदर आता है और 3 लीटर रिजर्व में रहता है, यानी जब 3 लीटर इसके अंदर रह जाएगा तो आपके मीटर में लास्ट पॉइंट की इंडिकेशन से आपको पता चल जाता है कि अब ये रिजर्व पर चला गया है। और ओवरऑल जो इसकी एवरेज है अगर आप हाई ऑक्टेन यूज़ करते हैं तो 22 से 25 के दरमियान आपको कहीं पर मिलेगी अगर आप इरिडियम प्लग यूज़ करेंगे इसके साथ। तो इस बाइक में जो फ्रंट और रियर पर आपको टायर दिए गए हैं वो प्रेली एंजल GT सीरीज़ के हैं। रियर पे 160/55 का मिलता है 17 इंच के अलॉय व्हील्स पे, और अगला भी 17 इंच का अलॉय व्हील है और वो आपको 120 और 60 का उसके अंदर साइज़ मिलता है टायर का। दोनों ट्यूबलेस हैं, दोनों ब्रेक जो हैं ABS है, फ्रंट वाली भी रियर वाली भी। रियर पे आपको सिंगल डिस्क सिंगल पिस्टन कैलिपर के साथ मिलती है और फ्रंट पे आपको डुअल डिस्क डुअल पिस्टन कैलिपर के साथ मिलती है, यानी कि ओवरऑल 4 पिस्टन कैलिपर फ्रंट पे बन जाता है और सिंगल पिस्टन रियर पे बन जाता है। ओवरऑल स्टॉपिंग पावर जो मैंने फील की है इस बाइक की अच्छी है और ABS प्रॉपर काम करता है। अभी तक मैंने तकरीबन 100 किलोमीटर इस बाइक को ड्राइव किया है और ज़रा सा भी ये बाइक स्किड नहीं की। प्रेली के टायर्स होने की वजह से इसकी रोड ग्रिप बहुत ज़्यादा बेहतर है, बहुत ही अच्छी आउट क्लास है। उसके अलावा जो सस्पेंशन है इसकी, दूसरी बाइक जो होती है 600cc सेगमेंट की या उससे अबव की, उनकी थोड़ी सी स्टिफ रखी जाती है क्योंकि उनकी पिक टॉर्क हॉर्स पावर बहुत ज़्यादा होते हैं,
तो उनकी स्टेबिलिटी के लिए उनको स्टिफ रखा जाता है। लेकिन 300cc सेगमेंट या इससे नीचे की जो बाइक हैं उनके अंदर थोड़ा सा सॉफ्ट रखा जाता है, तो इसकी सस्पेंशन भी सॉफ्ट है। दो के इसका मोनोशॉक जो रियर वाला है वो आपको इसका जो बिग ब्रदर है 600i उस जैसा ही लगता है, और साइज़ भी तकरीबन उतना है, लेकिन ये इसमें जो स्प्रिंग है वो सॉफ्ट यूज़ किया गया है। रियर सस्पेंशन में आपको दो किस्म की एडजस्टमेंट मिल जाती है, एक आप राइडर अपना प्रीलोड एडजस्ट कर सकता है, दूसरा जो रीबाउंड है वो भी एडजस्ट कर सकता है। फ्रंट की सस्पेंशन की बात करें तो आपको प्रीलोड एक फोक में इसके जो राइट साइड पर है उसके अंदर प्रीलोड एडजस्ट करने का स्क्रू दिया गया है, आप प्रीलोड एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन रीबाउंड और कंप्रेशन फ्रंट सस्पेंशन में एडजस्ट नहीं हो सकती। ओवरऑल जो मेरा फीडबैक है इसकी सस्पेंशन के ऊपर, बहुत सॉफ्ट है, अप टू द मार्क है, आपको ये सड़क की स्टिफनेस फील नहीं करवाती, बहुत ही सॉफ्ट फील होती है। ये बाइक मैंने भी रिसेंटली जुलाई 21 में ही परचेस किया है, और इसकी जो बुकिंग प्राइस है वो जुलाई 21 ऑनवर्ड जो है वो 940 हो गई है, 940,000, और जो कैश पे अवेलेबिलिटी है वो 995 है। इन बाइक के ऊपर कस्टम इंक्रीज़ हुआ है जुलाई ऑनवर्ड से, तो ये प्राइसेस इंक्रीज़ की हैं, अगर फ्यूचर में मज़ीद इंक्रीज़ होगा तो शायद इससे भी महंगी हो जाएं। और कलर अवेलेबिलिटी जो है फ़िलहाल पाकिस्तान में दो कलर में ये बाइक अवेलेबल है, एक ब्लैक रेड थीम के साथ आपके सामने खड़ा है और दूसरा ग्रीन कलर में आता है। ग्रीन कलर भी इसका बहुत ज़्यादा प्यारा है, अगर उसको इन पर्सन देखें तो वो बहुत ज़्यादा अपील करता है, और उसमें जो रिम है वो भी ग्रीन कलर के दिए गए हैं। ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इस बाइक के साथ इन 100 किलोमीटर्स के अंदर, मैं आपसे वो शेयर कर लेता हूँ। मैंने TNT 25 भी एक साल ओन की थी, उसके बाद 302R भी एक साल मैंने चलाई, फिर मैंने बनाली का TNT 600 भी जो फेस अपलिफ्ट मॉडल है वो भी मैंने रखा था, उसके बाद मेरे पास अब ये बाइक है। ओवरऑल इस बाइक की जो हैंडलिंग और मनूवरिंग है, अभी तक मैंने जितनी बनाली की बाइक ऑन की है उन सबसे बेहतर मुझे इसकी फील हुई है। मनूवरिंग तो इसकी मनूवर एबिलिटी इसकी बहुत बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, आपको बिल्कुल भी रश के अंदर ये बाइक नहीं थकाता, आप इसको जिस तरह मर्जी हैंडल कर लें, जिस तरह मर्जी मनूवर कर लें। इसका जो ओवरऑल यू टर्न का जो हैंडल का कट है वो भी बहुत अच्छा है, आपको ओवरऑल राइडिंग प्लेयर जो है बहुत ही आउट क्लास मिलता है इस बाइक के अंदर। अगर सीट कंफर्ट की बात करें तो जो राइडर की सीट है यानी कितना पोर्शन वेल कुशन्ड है और प्रॉपर सॉफ्ट सीट है, आपको ये सीट हार्ड फील नहीं होती और चोरी होने की वजह से आप बहुत इजी रहते हैं। पिलियन के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, वो हमज़ा बताएंगे आपको, क्योंकि जब हम रिव्यू के लिए आ रहे थे तो मैंने हमज़ा को स्पेशल इसके ऊपर बैठ के राइड करवाई थी कि ताकि वो हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। तो हमज़ा प्लीज़, अच्छा हमज़ा मुझे ये बताएं सीट की चौड़ाई ठीक है या इससे ज़्यादा होनी चाहिए थी, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसकी कुशनिंग कैसी है, कुशनिंग में आपको कैसा फील हुआ इस बाइक के पिलियन सीट की? जो चौड़ाई है ना जहे भाई वो थोड़ी कम है, जिसकी वजह से ये जो इसके ये हैंडल है ना ये आपको फील होते हैं कि आपको चुभ रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं जो ग्रैब रेल्स हैं ये आपको फील होती हैं? ये फील होती हैं, इसके अलावा जो कुशनिंग है वो बिल्कुल ठीक है, कुशनिंग ठीक है, लेकिन ग्रैब रेल्स जो हैं वो आपको फील होती हैं, थोड़ी सी चुभती हैं। आप मतलब लॉन्ग रूट पे नहीं जा सकते, एटलीस्ट मैं तो नहीं जा सकता, किसी और को आप ले जाए, यानी पतला स्लिम सा राइडर चला जाएगा, चला जाएगा। अच्छा। लेकिन अब इन सिटी आप फिरना चाहें तो आप इजी है, ठीक है, तो बहुत शुक्रिया हमज़ा आपका। अच्छा मेरे पर्सनल चैनल पे मुझसे कुछ इंडियन भाइयों ने कुछ सवाल पूछे थे, क्योंकि वहाँ पे TNT 300 था तो उन्होंने उसके कुछ इश्यूज मुझे बताए थे, और उन्होंने कहा था कि इसके बारे में हमें बताइएगा कि इस फेस अपलिफ्ट मॉडल में वो इश्यूज हैं कि नहीं। पहला इशू उन्होंने मुझसे पूछा था कि पुराने मॉडल में उनको फ्यूल ओवरफ्लो का इशू आता था। फ्यूल ओवरफ्लो का जो इशू है, मेरी बनाली के जो ऑथराइज डीलर से बात हुई थी, उन्होंने मुझे बताया था कि पाकिस्तान में किसी मॉडल में फ्यूल ओवरफ्लो का इशू नहीं है, अलबत्त इंडिया में रिपोर्टेड है कि इंडिया में बनाली में फ्यूल ओवरफ्लो का इशू आता है, उसकी रीज़न हमें नहीं पता कि वाई दे आर फेसिंग दैट इशू, लेकिन पाकिस्तान में बनाली के किसी भी मॉडल में और इस मॉडल में भी फ्यूल ओवरफ्लो का इशू नहीं है। दूसरा इशू उन्होंने बताया था कि जो क्लच लीवर है ये बहुत हार्ड था पुरानी बाइक में, इस बाइक में क्लच लीवर बहुत सॉफ्ट है। मुझे लगता है सॉफ्टनेस की वजह जो है बेसिकली जो क्लच प्लेट पूरा एक बॉक्स होता है उसके अंदर होता है, कसा हुआ होता है और वो स्प्रिंग्स के ऊपर कसा होता है। जो 3 स्प्रिंग बेस क्लच बॉक्स होता है वो सॉफ्ट होता है, 4 स्प्रिंग वाला थोड़ा सा हार्ड होता है। मुझे लगता है कि इन्होंने इस बाइक में 3 स्प्रिंग वाला यूज़ किया है, इसलिए इसका जो क्लच लीवर है वो मुझे पुरानी 302R से सॉफ्ट फील होता है। और तीसरा इशू उन्होंने मुझे बताया था कि हेडलाइट की थ्रो पुरानी वाली में अच्छी नहीं थी। पुरानी जितने भी मॉडल्स हैं बनाली के 25 और 300 वो हैलोजिन बल्ब बेस्ड थे उनके हेडलैम्प, इसमें LED बेस्ड है, लो बीम प्रोजेक्शन बेस्ड LED है, हाई बीम रिफ्लेक्टर बेस्ड LED है, और जो DRL है पार्किंग वो भी LED बेस्ड है। चौथा इशू उन्होंने मुझे कहा था कि
पिलियन सीट अनकंफर्टेबल थी, तो पिलियन सीट का हमजा ने आपको इसके बारे में बता दिया है। आखिरी इशू जो उन्होंने मुझसे पूछा था, उन्होंने कहा था कि इसका जो टैंक है थोड़ा सा हीटअप हो जाता है चलने के बाद। पहले मैं आपको बताता हूँ कि होता क्यों है और इसमें कितना होता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। बेसिकली बनैली के जितने भी मॉडल हैं, 25 है, 302R है, 600 है, उनमें फ्यूल टैंक जो लोहे वाला फ्यूल टैंक होता है जिसमें पेट्रोल जाता है वो अंदर होता है छोटा सा, और उसके ऊपर प्लास्टिक का एक कवर होता है जो बाहर आउटर होता है। तो उन बाइक में हमें इसलिए वो महसूस नहीं होता क्योंकि वो टैंक अंदर होता है, ऊपर प्लास्टिक का कवर होता है, तो हमें उसमें इतना ज़्यादा हीट फील नहीं होती। इसमें ये जो आपको आउटर टैंक नज़र आ रहा है यही इसका फ्यूल टैंक है, आयरन वाला, लोहे वाला। तो इसके ऊपर क्योंकि कोई कवर नहीं है प्लास्टिक का, इसलिए आपको जब रेडिएटर चलता है और आप तकरीबन 1.5 घंटे से 1 घंटे की राइड तकरीबन अगर इस बाइक पे कर लें, तो रेडिएटर चल चल कर उसकी फ़ैन हीट से थोड़ा सा हीटअप होता है यहाँ पे, लेकिन वो बियरेबल होता है। यानी कि अगर मैं जीन्स की पैंट पहनकर राइड करता हूँ मैं, और मुझे फील नहीं होता जीन्स की पैंट में, अगर आपने जीन्स की पैंट पहनकर आप इसको चलाएं तो आपको इसकी हीट फील नहीं होती, इतनी ज़्यादा हीट नहीं होती। हाँ, शॉर्ट्स पहनी हो अगर आपने तो जाहिर सी बात है फिर आपको शायद ये हल्का सा गर्म महसूस हो, लेकिन बियरेबल होता है, इतना ज़्यादा तंग नहीं करता। ओवरऑल रश में अगर आपकी टो टू टो ट्रैफिक जाम में अगर आप इसको चलाएं तो 15 मिनट के बाद शायद आपको थोड़ा सा फील होती है हीट, अदरवाइज़ जब ये नॉर्मल रूटीन में चल रही होती है और टो टू टो ट्रैफिक जाम नहीं है तो उसमें आपको बिल्कुल भी इस बाइक की हीट फील नहीं होती। थोड़ी बहुत आफ्टर मार्केट एसेसरीज़ जो मैंने इंस्टॉल की हुई है मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। मेन इंजन के क्रैश गार्ड मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं, ये आपको 4500 पाकिस्तानी में पड़ जाते हैं तकरीबन। उसके बाद आगे फ्रंट व्हील पे आपको व्हील स्लाइडर्स और ऊपर फेंडर स्लाइडर मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं, और ये भी तकरीबन आपको 2500-3000 रुपये में कोस्ट कर जाते हैं। इसके अलावा अगर आप हैंडल बार एंड पे रहें तो हैंडल बार एंड पे जो स्लाइडर्स होते हैं वो भी मैंने आफ्टर मार्केट बनैली के ओरिजिनल लगाए हुए हैं, और ये भी आपको तकरीबन 4-5000 में कॉस्ट कर देते हैं। इसके अलावा क्योंकि ये बाइक ABS वाली है तो बनैली की 2019 से पहले जितनी भी बाइक ABS वाली डिज़ाइन है उनमें पार्किंग लाइट और लो बीम ऑन ऑफ करने का बटन मौजूद नहीं होता। आप जैसे ही इंजन स्टार्ट करते हैं तो आपकी पार्किंग और जो लो बीम है वो ऑन हो जाती है बाइक की। तो मैंने एक स्पिरिट बीस का एक बटन का पैक मंगवा कर यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है, और पार्किंग और जो लो बीम है वो मैंने अपने ऑन ऑफ की उसमें मैंने फ़ीचर ऐड की हुई है। अगर हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ आ जाएं तो जो भी बेसिक फ़ीचर्स होती हैं और जितनी भी आपको इंजन से रिलेटेड लाइट्स हैं वो आपको लेफ़्ट राइट पर अवेलेबल हैं, जिसमें आपको ABS इंडिकेटर्स, इंजन ऑयल और इंजन हाई टेम्परेचर और इससे रिलेटेड जितनी भी लाइट्स हैं वो सब मिल जाती हैं। अगर मेन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो उसमें आपको फ्यूल गेज, टेम्परेचर गेज, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर और स्पीडोमीटर और RPM जो है वो सब अवेलेबल हैं। गियर इंडिकेशन भी मिल जाती है, क्लॉक की ऑप्शन भी है। इस बाइक में लाइट सेंसर दिया हुआ है, जैसे ये बाइक रात में एक ख़ास हद से ज़्यादा लाइट कम होती है तो अपने आप को नाइट मोड में शिफ्ट कर लेता है। नाइट मोड में शिफ्ट होते ही इसकी ओवरऑल थीम भी चेंज हो जाती है और जितनी भी इंडिकेशन हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपको RPM और गियर इंडिकेटर जो है वो साइड पर मिल गया है, जबकि डे में जो आपको RPM थे वो भी बड़े बड़े अवेलेबल थे और इस तरह राउंड शेप में अवेलेबल थे और गियर इंडिकेशन साइड पर थी। इस तरह इसकी जो विजुअल्स और थीम दोनों चेंज होती हैं इकट्ठी। अब बात कर लेते हैं उन चीज़ों के बारे में जो मुझे इस बाइक में पसंद नहीं है, और ये पर्सनल प्रेफरेंस है मेरी, मुझे नहीं पसंद। पहला, इसके एग्जॉस्ट पाइप जो हैं वो जिस मटेरियल के होते हैं, नॉर्मली बनैली की जितनी बाइक हैं वो सब में सेम मटेरियल के आते हैं, शायद लोहे के हैं, और जब ये नई बाइक आती है तब वो हल्के से गोल्डन कलर के होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये यूज़ होते जाते हैं तो इनका कलर फेड हो जाता है और वो कई थोड़ी थोड़ी जगह से काले से हो जाते हैं। बनैली को इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा काम करना चाहिए। स्टेनलेस स्टील के अगर वो यूज़ करें अपने हेडर्स पाइप तो स्टेनलेस स्टील जो है वो बहुत थोड़ा सा शाइन में होता है और वो उसके ऊपर इस तरह की डीकलरेशन नहीं होती। दूसरी चीज़ जो है वो चेन है। इस बाइक की चेन जो है वो जंग थोड़ा जल्दी पकड़ लेती है, मतलब अगर बारिश हुई है आज और मैं इसको एक दो दिन तक वॉश नहीं करूँगा तो चेन पे आपको हल्का हल्का सा कई जगह पर जंग के असरात मिल जाते हैं। तो इसको क्लीन आपको रेगुलर बेस पर करना पड़ता है, हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार आपको चेन को क्लीन और ल्यूब करना पड़ता है। तो ये दो चीज़ें जो हैं ये बेहतर मटीरियल की देनी चाहिए थी। इसके अलावा और कोई इशू मुझे इस बाइक में फील नहीं हुआ। बिल्ड क्वालिटी पेंट वाइज बात कर लें, सस्पेंशन वाइज बात कर लें, और ओवरऑल अगर इस बाइक की जो फील है वो अप टू द मार्क है, टॉप नोच है। जितने पैसे अगर
पैसों के साथ कंपैरिजन किया जाए तो शायद पैसे थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन उसी एक वजह ये भी है कि हमारे मुल्क में कस्टम बहुत ज़्यादा हैं। ओवरऑल इस प्राइस के अंदर जो पेंट क्वालिटी और जो बिल्ड क्वालिटी ये बाइक आपको देती है, मैं उससे सेटिस्फाई हूँ। एक छोटा सा इशू जो मैंने और फील किया था वो ये है कि जब ये बाइक हाई आरपीएम पर जाती है तो इसके जो मिरर हैं उनके अंदर थोड़ी सी हल्की सी वाइब्रेशन आती हैं। उस वाइब्रेशन से जो रियर व्यू है वो पूरा फेड तो नहीं होता, आपको फिर भी पता चलता है कि पीछे से जो ट्रैफिक आ रही है आप उसको इजीली जज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो हल्की सी वाइब्रेशंस आपको फील होंगी। तो ये था इस बाइक का एक्सपर्ट रिव्यू। अपने कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा और इस रिव्यू को हम अपने फ्यूचर में आने वाले रिव्यूज़ को कैसे बेहतर कर सकते हैं, उससे भी हमें आगाह कीजिएगा। इसके साथ साथ आप जिन जिन बाइक का रिव्यू देखना चाहते हैं अपने कमेंट सेक्शन में वो भी लिखिए, ताकि हम आपके लिए उन बाइक का रिव्यू भी लेकर आ सकें। इस बाइक का साउंड आपको इस वीडियो के एंड पर सुनाएंगे। राइड करते वक्त सेफ्टी गियर्स और हेलमेट ज़रूर पहना करें। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। Only on Parkview.